स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें भी हम लोगों ने बेहतरीन क्वेश्चन पुट किया है और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पे समझेंगे और एक एक प्रश्नों को अच्छे से क्या करेंगे एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है देख पा रहे हो आप लोग, कह रहा है कि कुछ सिंपल प्रोटीन इज नॉट कागुलेटेड बाई हीट, यानी कि इनमें से कौन सा सिंपल प्रोटीन जो है वो हीट के द्वारा कागुलेट नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन का एक गुण होता है, अगर हम जनरली प्रोटीन की बात करें बच्चा, ठीक है दीपा गुड इवनिंग, ठीक है। अगर हम जनरली एक प्रोटीन की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, जब उनको हम हीट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, उनका कागुलेशन हो जाता है, ठीक है। और कागुलेशन हो जाता है तो भाई यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है, कौन सा ऐसा सिंपल प्रोटीन है जिसको हम हीट करते हैं तो उसका कागुलेशन नहीं होता है। तो आप लोग इसका जवाब भी दे सकते हो, ठीक है रवि भाई गुड इवनिंग, ठीक है। देखो ऑप्शंस आपके हैं, ठीक है, प्रोटामेंस, हिस्टोन्स, उसके बाद में स्क्लेरो प्रोटीन, और आपका जो डी ऑप्शन है आपके ग्लुटेनिन, ठीक है ग्लुटेनिन है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिंपल प्रोटीन है जिसको आप हीट के द्वारा कागुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूरिन प्रोटीन की अगर बात करते हैं, ठीक है, यूरिन में जो प्रोटीन आ रहे होते हैं इनको हम क्या करते हैं, टेस्ट जब करते हैं तो हीट मेथड के द्वारा ही कर रहे होते हैं, और हीट मेथड का जो प्रिंसिपल बनता है वही बनता है कि जो हमारा प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है, कागुलेट हो जाता है, और उससे हम जो अवक्षेप मिलता है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट हमको मिलता है उसके माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो देखो उमा शंकर भाई और रवि भाई, ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं गोला कर दिया हूँ डी वाले पे, तो ऐसा नहीं है कि इसका राइट आंसर आपका डी है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है एक्चुअली में इसका राइट आंसर है आपका हिस्टोन्स प्रोटीन, ठीक है। क्या आपके हिस्टोन्स जो होते हैं ये आपका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्या हिस्टोन्स इज द राइट आंसर बनेगा, क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इसके बारे में, हिस्टोन्स के बारे में, तो आप सभी को पता होगा तो जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है एक्चुअली में आपके यूकैरियोटिक्स में, ठीक है, यूकैरियोटिक के बारे में हमने बता ही दिया है आपको, ठीक है। यूकैरियोटिक्स जो सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल के कहाँ पे न्यूक्लियाई में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियाई में पाया जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें इसी हिस्टोन्स की तो हिस्टोन्स और साथ में हिस्टोन्स प्लस आपके जब कौन जेनेटिक मटेरियल जिसको अगर बात करें डीएनए जब आपस में मिल जाते हैं बच्चा तो क्या बना लेते हैं आपके न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं, ठीक है न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है, ठीक, एक जीन से दूसरे जीन में या फिर कह सकते हो एक संतान से दूसरे संतान में जो जेनेटिक करेक्टर होता है जो जाता है ये किसकी वजह से जाता है आपके हिस्टोन प्रोटीन के वजह से ही जाता है, ठीक है हिस्टोन प्रोटीन के ही वजह से जाता है। तो ठीक है क्रोमेटिन कह सकते हो मुकेश साकेत, बट यहाँ पे जो हिस्टोन और डीएनए बनते हैं उनको हम न्यूक्लियोसोम एक्चुअली में कहते हैं। वो आप आज जो बात कर रहे हो क्रोमेटिन का वो भी बात सही है कि डीएनए और जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है दोनों आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो आपका क्रोमेटिन कहलाता है। और यही क्या होते हैं जो क्रोमेटिन है कह सकते हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपना जो भी गुण है वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने देखा। स्क्लेरो प्रोटीन जो आपका है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो आपका एक आयन इनसॉल्बल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, यानी कि ये इनसॉल्बल प्रोटीन है, ठीक इनसॉल्बल प्रोटीन, ठीक है, या फिर इनसॉल्बल स्ट्रक्चर, आराम से पढ़ना भागने की जरूरत नहीं, ठीक है ध्यान रखना, ठीक। जैसे अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की स्क्लेरो प्रोटीन की तो जैसे कह सकते हो कि इनसॉल्बल स्ट्रक्चर के जो होते हैं जैसे कि केराटिन हो गया, ठीक है केराटिन हो गया, उसके बाद में आपका क्या हो गया, ठीक है कोलेजन होंगे, ये सब आपके इस प्रकार के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर के रूप में इनको हम जानते हैं, ठीक है ध्यान रखना। तो इस तरह से आप लोगों ने हिस्टोन्स के बारे में इस ठीक है स्क्लेरो प्रोटीन के बारे में समझा, ठीक है। ग्लुटिन के बारे में अगर बात करेंगे, ठीक है ग्लुटिन की इसकी बात करें तो ये आपका प्रोलेमिन आपका होता है, ठीक है प्रोलेमिन प्रोटीन होते हैं, ठीक प्रोलेमिन प्रोटीन, प्रोलेमिन प्रोटीन, ठीक है ठीक। अगर बात करें पाया कहाँ जाता है तो लिख सकते हो कॉपी में, ठीक है जो आपके सीड्स वगैरह होते हैं इनका जो इंडो स्पर्म होता है इसी से बना होता है ज्यादातर, ठीक है तो ध्यान रखना। तो जो पहले का राइट आंसर एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा कि जो सिंपल प्रोटीन है वो कौन सा ऐसा सिंपल प्रोटीन है जो आपके हीट के द्वारा कागुलेट नहीं होता है, पीपीटी नहीं बनता है, तो आपका ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है ध्यान रखना ये आपका राइट है ना कि आपका ये राइट है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है सेकेंड नंबर का, ये कह रहा है कि एन एमिनो एसिड कंटेन
FreeNH2 ग्रुप विथ डॉट डॉट ग्रुप्स। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है आपके अमीनो एसिड से। ये कह रहा है कि अगर एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो एक अमीनो एसिड कंटेन करता है FreeNH2 ग्रुप, साथ में और कौन सा ग्रुप कंटेन करता है, जिससे मिलकर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बच्चा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, बताओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा या फिर आपका सल्फर ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर आपका एरोमेटिक ग्रुप होगा, ये बताओ आप इसका राइट आंसर क्या जाएगा मेरे लाल, जल्दी से बता दो। देखो यहाँ पे दो तीन लोग का आंसर आना शुरू हो गया है, मैं एक थोड़ा सा देख लेता हूँ सभी लोगों के आंसर कि क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा लोग कार्बोक्सिल ग्रुप कर रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है, कोई गलत जवाब नहीं है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर, कार्बोक्सिल ग्रुप जाएगा। अगर मैं इसके एक स्ट्रक्चर बताऊं, सी अगर अमीनो एसिड में एक स्ट्रक्चर आपका ग्लाइसिन का, ठीक है, ग्लाइसिन की अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है बच्चा। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे आपका कुछ एक तरह से स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका जो NH2 ग्रुप है ये क्या है, इसको क्या कहते हो, ठीक है, ये अमीनो ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अमीनो ग्रुप कहलाता है, क्या कहलाता है, अमीनो ग्रुप कहलाएगा बच्चा। उसके बाद में अगर COOH की बात करोगे तो कौन सी ग्रुप कहलाएगा, जान रहे हो ना, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाएगा ये बच्चा। और उसके बाद में अगर बात करें इसकी, किसकी भाई, ये पूरी जो है चेन, इसको कहते हैं हम साइड चेन। ठीक है, क्या कहते हैं, साइड चेन कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना आप। ठीक, तो एक कह सकते हो एक सिंपल एमिनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन इसका नाम है इस पूरे स्ट्रक्चर का, इसमें अमीनो ग्रुप कहाँ लगे हैं, COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे लगा हुआ है, साइड चेन कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके राइट आंसर आपको पता होंगे ना। ठीक है, देखो इसके कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ग्रुप जाएगा कि अमीनो एसिड जो है आपके NH2 ग्रुप के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है, वीडियो शो नहीं हो रहा है हेमलता, नेटवर्क इशू है, एक बार कट करके फिर से ऑन करो बच्चा, आपका वीडियो शो होने लगेगा। ठीक है, सभी में ऐसा इशू तो नहीं है, कमेंट कर देना बच्चा। अगले प्रश्न पे आएंगे, थर्ड नंबर का MCQ है, जूम ज्यादा तो नहीं कर दिए हैं, कट रहा है ना MCQ, थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया है लग रहा है, और इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे तो आपको और समझ आएगा। देखो अभी मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, अभी आगे तेज करूंगा तो ऐसा मत परेशानी हो जाना कि भैया सर बहुत स्लो लेकर चल रहे हैं। ठीक, इन विच टाइप ऑफ जॉइंटिस बिलरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट, आइदर द गॉल स्टोन्स बाई आर, ठीक है, सॉरी, स्टोन आर बाई ए ट्यूमर। देखो एक बार फिर से रिपीट करूंगा MCQ को, फिर आपको समझ में आएगा। इन द टाइप ऑफ जॉइंटिस यानी कि कौन सा टाइप आपका जॉइंटिस है जिसमें आपके बिलरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट, यानी कि आपका जो बिलरुबिन है वो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है, किस वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट यानी कि बाइल डक्ट में कुछ दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कत हो रही है, या फिर आपके गाल में स्टोन हो सकता है, या फिर कोई ट्यूमर है, या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स है जिसके आपकी जो बाइल डक्ट है उसमें ब्लॉकिंग आ गई है, उसमें दिक्कत आ गई है, तो इस प्रकार के ज्वाइंटिस को हम कौन सा ज्वाइंटिस कहते हैं, प्री हिपेटिक ज्वाइंटिस, हेप्टिक ज्वाइंटिस, पोस्ट हेप्टिक ज्वाइंटिस, या फिर आपका नन ऑप्शन। तो देखो भैया ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ, पूरी डिटेल लेकर चलूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ, प्री हिपेटिक ज्वाइंटिस की अगर बात करता हूँ। ठीक है, तो प्री हिपेटिक ज्वाइंटिस जो होता है ड्यू टू इंक्रीज हिमोलिसिस, अगर मैं प्राथमिक कारण लूँ या फिर कह सकते हो प्राइमरी रीजन लूँ प्री हिपेटिक ज्वाइंटिस का, तो ड्यू टू इंक्रीज हिमोलाइसिस यानी कि हिमोलाइसिस जो है आपका इंक्रीज हो जाता है आपके RBC का, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी RBC टूट रही है और बिलरुबिन का जो फॉर्मेशन है वो अधिक हो जा रहा है, बिलरुबिन का इंक्रीज जो है वो ज्यादा हो जा रहा है। प्री हिपेटिक ज्वाइंटिस का मतलब यही हुआ कि ये आपके लीवर से नहीं पहुंचा है, मतलब कि ये जो आपका बिलरुबिन है ये आपके लीवर में अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक, तो इसमें अगर बात करेंगे प्री हिपेटिक ज्वाइंटिस में, तो हिमोलिसिस जो है इंक्रीज होने की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा, और जो आपका अनकंजुगेटेड बिलरुबिन है, क्या भाई आपका अनकंजुगेटेड बिलरुबिन, ध्यान रखना, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन जो है, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन जो है आपका क्या रहता है, इंक्रीज रहता है। ठीक है, इंक्रीज रहता है, ध्यान रखना, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन आपका इंक्रीज रहता है। तो ये आपका क्या बना, प्री हिपेटिक हो गया। ठीक,
हेपेटिक ज्वाइंटिस, हेपेटिक ज्वाइंटिस का मतलब यहाँ पे होता है ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ, ड्यू टू, ठीक है। देखो सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे पहले से, बट मुझे मुझको बताना है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ड्यू टू सॉरी डिसफंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, किसी भी वजह से लीवर में डिसफंक्शन हो रहा है तो वो हेपेटिक ज्वाइंटिस जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, इसमें आपका जो डायरेक्ट बिलरुबिन और इनडायरेक्ट बिलरुबिन यानी कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों आपका क्या रहेगा, इंक्रीज मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलरुबिन इंक्रीज, ठीक है, इनडायरेक्ट बिलरुबिन आपका इंक्रीज रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। पोस्ट हेप्टिक ज्वाइंटिस क्या होता है, देखो प्री हेप्टिक हेमोलिसिस की वजह से लीवर की वजह से गया तो हेप्टिक ज्वाइंटिस, पोस्ट हेप्टिक का यही मतलब होता है कि बाइल डक्ट में जब कोई आपकी दिक्कत आती है, ठीक है, वो किसी की वजह से आपके ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है तो आपका क्या कहलाता है, वो आपका पोस्ट हेप्टिक ज्वाइंटिस कहलाता है। तो जो ए ऑप्शन कर रहे थे उनका राइट आंसर नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर, क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, देरी नहीं करते हैं, तेज हित करेंगे नहीं तो फिर आप लोग बोर होने लगोगे। 4 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि इन विच कंडीशन का, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल इन सीरम इज डिक्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा केस है जहां पे आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन का लेवल है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो कॉन्जुगेटेड की जब बात करेगा, अनकॉन्जुगेटेड की बात करता तो लीवर से पहुंचने से पहले बात होती, और कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन की बात कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं लीवर में कोई डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक है, लीवर में कोई डिसफंक्शन हो रहा है बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, गिल्बर्ट डिजीज कह रहा ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में आपका सेगुलर नेजर सिंड्रोम, ठीक है, प्री हेपेटिक ज्वाइंटिस या फिर आपका नन ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन चेतना, और ये एक कह सकते हो कि अनुवांशिक बीमारी, ठीक है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसको भी ध्यान रखना। अच्छा क्यों होता है ये डिक्रीज जो है आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है क्यों होता है, ठीक है, कोई बता सकता है, जो आपकी कह सकते हो कॉन्जुगेटेड जो बिलरुबिन सॉरी अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है, ठीक है, जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है, ध्यान देना, ठीक है, राइटिंग पर मत जाना, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलरुबिन है ये कन्वर्ट होता है किसमें, कॉन्जुगेटेड में, ठीक है, और कॉन्जुगेटेड में जब ये कन्वर्ट होता है तो एक एंजाइम काम कर रहा होता है, ठीक है, यूडीपी, ठीक, तो इसी के वजह से इसी में दिक्कत आ रही होती है यूडीपी के बनने में, या तो उसकी मात्रा में कमी आ जाती है या तो एकदम से अब्सेंट हो जाता है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोरोनिक, ठीक है, स्लाइट फ्रेज कुछ करके होता है आपका यूडीपी, यहाँ पे ध्यान रख लेना, इसके वजह से अगर ये आपका अब्सेंट है, या तो आपका अब्सेंट है, ठीक है, या फिर इसका जो वैल्यू है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, इस वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिलता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है वो आपके कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर जाएगा। ओके, कमेंट करके बताओ, कोई डाउट कोई दिक्कत एक बार कमेंट कर दो बच्चा सभी लोग। व्हिच एंजाइम इज नॉट फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन लीवर किडनी, ठीक है, नॉट फाउंड नहीं मतलब फाउंड कह रहा है, व्हिच एंजाइम इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन लीवर किडनी कार्डियक मसल एंड स्केलेटन मसल्स, तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है भाई, ये कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे आपका। ओके देखिए कोई डाउट आपका कमेंट, हाँ ठीक है आ रहा है हमको, मतलब हमें लगा कि कुछ कट गया, ठीक है चलो, कह रहा है कि कौन सा आपका, ठीक, एंजाइम है जो कि आपके लीवर में भी पाया जा रहा है, किडनी में, कार्डियक मसल्स में और स्केलेटन मसल में, सभी जगह आपका पाया जा रहा है, तो भाई 5 का राइट आंसर सभी को पता है, ठीक है, एस्पायरेटेड एमिनो ट्रांसफरेज, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, तो इसको आप एसजीओटी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके, एसजीओटी भी कह सकते हो, अगर इसकी बात करें कि इसको किस मेथड के द्वारा आप एस्टिमेट करोगे, ओके, किस मेथड के द्वारा एस्टिमेट करोगे, तो मैं पढ़ाया हूँ रिटमैन, ठीक है, रिटमैन एंड फ्रेंकल मेथड, ठीक है, रिटमैन एंड फ्रेंकल मेथड, ओके, ओडी जो लेते हो आप वो आपकी होती है 540 एनएम पे, और उसके बाद में अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें, ठीक है भाई, नॉर्मल रेंज की बात करें तो कितना होता है,
8 से लेकर 38, यानी कि 8 से लेकर 38 इंटरनेशनल यूनिट एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है कपिल भाई, बिल्कुल ठीक है। रिटमैन एंड फ्रेंकल मेथड, ओडी जो होती है 540 nm होती है, नॉर्मल रेंज आपका 8 से 38 इंटरनेशनल यूनिट आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक, ध्यान रखना, कोई डाउट है तो बता दो, आप कमेंट करके बता दो, कोई डाउट है तो इसमें। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो एक बार कमेंट कर दो। ठीक है लाल, कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है भाई? मैं खुद देखता हूँ आपके कमेंट कहाँ पे भाई। हाँ क्लियर है, रिटमैन कपिल की बात कोई नहीं कमेंट नहीं किया, खाली मुकेश भाई ने कमेंट किया। और बताओ किसी को डाउट है क्या जो कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग? रूपाली ठीक है, क्लियर है, ठीक है आगे करें। ठीक है चलो चलो बच्चा, ठीक है हाँ बिल्कुल आगे करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ओके, ये 6 नंबर का एमसीक्यू है, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियो, ठीक है, प्रोटेक्टिव फैटी एसिड। कौन सा जो फैटी एसिड है वो आपका कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड है? ओलेक एसिड है, ल्यूटेरिक एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, या फिर आपका पाल्मिटिक एसिड है? ठीक, कंफ्यूजन रहता है बिलरुबिन में, बिलरुबिन में कंफ्यूजन मत रखो। ठीक है, मैं एक पीडीएफ आपको भेज दूंगा ग्रुप में, वहां से क्लियर कर लेना, बिलरुबिन की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। दीपा ने कहा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देखो सी सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा कि जो कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड है वो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है। एक्चुअली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अगर बात करोगे, ठीक, ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करोगे तो ये क्या है, ये आपका पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक, सेचुरेटेड फैटी एसिड। देखो भैया मैंने थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, तो जो नए हो थोड़ा सा हमें यहाँ पे इतना डीप नहीं जा सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा कि फैटी एसिड क्या है, कितने प्रकार से है, बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो फैटी एसिड है 2 प्रकार से, एक आपका सेचुरेटेड और दूसरा आपका अनसेचुरेटेड। हमने बताया है कि जो अनसेचुरेटेड वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देते हैं, ठीक है, लाभदायक होते हैं, और उसी में अगर आप पॉली अनसेचुरेटेड पा जा रहे हो फैटी एसिड तो वो आपका बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, आपका पॉली सेचुरेटेड फैटी एसिड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर राइट क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर जाएगा। अच्छा ओलिक एसिड क्या है, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ओलेइक की बात करेंगे तो ये आपका अनसेचुरेटेड तो है लेकिन मोनो अनसेचुरेटेड है। ठीक है, क्या है आपका, मोनो अनसेचुरेटेड है, ठीक, मोनो अनसेचुरेटेड है, इसको ध्यान रखना, मोनो अनसेचुरेटेड, ठीक है ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं ये भी बेहतरीन है बट ओमेगा 3 से ज्यादा नहीं। ओके, और ल्यूरिक एसिड की अगर बात करेंगे तो ल्यूरिक एसिड क्या है, ये आपका सेचुरेटेड है, ठीक है, सेचुरेटेड है, ठीक है, यानी कि नुकसानदायक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो ये आपका नुकसानदायक है, कॉपी में जरूर नोट करना। पाल्मेटिक एसिड की अगर बात करेंगे तो क्या है भाई, पाल्मेटिक, अगर हम बात करेंगे पाल्मेटिक, ठीक है, पाल्मेटिक एसिड की, तो ये आपका क्या है, कोई बताए कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एजोटिमिया मीन्स इंक्रीज इन सीरम, यानी कि एजोटिमिया का मतलब क्या होता है, आपके सीरम में क्या इंक्रीज हो रहा है, शुगर और यूरिक एसिड, यूरिया और शुगर, या फिर आपका शुगर और क्रिएटिनिन, या फिर आपका यूरिया और क्रिएटिनिन। ठीक है, शुगर क्रिएटिनिन, यूरिया क्रिएटिनिन, बताओ आप इसका राइट आंसर। तो सिंपल सा बात है, एजोटीमिया का मतलब हो जाता है क्या, यूरिया और क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी इज द राइट आंसर जाएगा मेरे लाल। ठीक है बच्चा, चलो इसमें ध्यान देना एक बात जो है, क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज देख लेना, यूरिया का नॉर्मल रेंज देख लेना, मेथड देख लेना, मैं लिख देता हूँ क्या क्या देखना है आपको, नॉर्मल रेंज कॉपी में लिख लो इसका क्या क्या हो देखना है आपको, नॉर्मल रेंज मेथड, क्वेश्चन 7 के आगे लगा लो, मेथड है, नॉर्मल रेंज है, साथ में आपको इसका मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में ज्यादातर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, तो एक बार इसको देख लेना। ठीक है, इसको देख लोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे मेरे लाल। ओके, 8 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है, व्हिच स्टेन कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, कौन सा जो आपका स्टेन है
जो दोनों स्टेन को कंटेन कर रहा है, या फिर कह सकते हो दोनों स्टेन नहीं, दोनों डाइज को कंटेन कर रहा है, एसडी करेक्टर को भी यहाँ पे कंटेन करेगा और आपके बेसिक करेक्टर को भी कंटेन करेगा। देखो रोमानस्क स्टेन है, वाइटल स्टेन है, सुप्रा वाइटल स्टेन है और अल्बर्ट स्टेन है। देखो ध्यान रखना, रोमानस्क स्टेन की अगर बात करेंगे तो रोमानस्क स्टेन का पहला करेक्टर आपका हो जाता है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल स्टेन के नाम से इसको जानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों प्रकार के डाई क्या होते हैं, कंटेन होते हैं। ओके, इसमें अगर हम बात करेंगे किसकी, इस स्टेनिंग की प्रोसीजर में, तो इसको हम क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए क्या यूज करते हैं बताओ भाई, इसको फिक्स करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कोई कमेंट करके बताएगा। ओके, और अगर यहाँ पे बात करें रोमानस्क स्टेन में, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। रोमानस्क स्टेन खुद के कई प्रकार हैं, जैसे कि लिस्मन स्टेन हो गया, ठीक है, जेनर स्टेन हो गया, जेनर जिम्सा स्टेन हो गया, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, जिम्सा हुई हो गया, राइट स्टेन हो गया, ये सब क्या है आपके रोमानस्क स्टेन के प्रकार है। ओके, न्यूट्रल स्टेन है ध्यान रखना, मेथेनॉल, एसीटोन फ्री मेथेनॉल, ठीक है, हाँ बिल्कुल राहुल भाई, एसीटोन फ्री मेथेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लेना आप लोग, कि प्रश्न में पूछ लेता है कि आपको रोमानस्क स्टेन में, या फिर ज्यादातर आपके लिस्मन स्टेन की बात कर लेता है, ठीक है, लिस्मन स्टेन की बात कर लेता है कि लिस्मन स्टेन में हम फिक्स करने के लिए कौन सा मतलब कि केमिकल यूज कर रहे होते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार स्टेप में तो हमारा फिक्स का कोई आ ही नहीं रहा था, हम तो स्लाइड को फिक्स ही नहीं कर रहे थे, और कहीं आपका नन ऑप्शन आ गया ना, तो आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना उसी डाई में बच्चा, जब डाई आपका प्रिपेयर हो रहा था पूरा, अपना लिस्मन स्टेन जब पूरा प्रिपेयर करते हो, तो उसी में आपका एसीटोन फ्री मेथेनॉल क्या होता है, पड़ा हुआ होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे रोमन्स की स्टेन में ये बात और ध्यान रखना है, जहाँ की ज्यादातर बात करेंगे रोमन्स की, के लिस्मन स्टेन में पीएच जो होता है, पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है, स्टेनिंग में पीएच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। ओके, थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे पीएच होता है, तो जो आपकी कह सकते हो स्टेनिंग है, उसमें दिक्कत आने लगती है, ठीक। वाइटल स्टेन क्या होता है, हमने बहुत बार आपको बताया है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, पीएच आप 6.8 लेते हो, और सोरेनसन बफर यहाँ पे ज्यादातर आपका प्रेफर किया जाता है, ठीक है, सोरेनसन बफर, सोरेनसन बफर का यहाँ पे हम लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं, ठीक है। वाइटल स्टेन ऐसा स्टेन होता है जहाँ पे हम बीबो फॉर्म में, ठीक है, चीजों को बीबो फॉर्म में स्टेज करते हैं, ठीक है, बीबो फॉर्म में हम स्टेन करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, वाइटल स्टेन कहलाता है, ठीक है। सुप्रा वाइटल स्टेन किस लिए काम आता है भाई, तो कह सकते हो सुप्रा वाइटल स्टेन रेटिक्रोसाइट काउंट के लिए, ठीक है, रेटी के लिए हम यहाँ पे करते हैं। अल्बर्ट स्टेन किस लिए काम आता है, इसको आप कमेंट करके बता सकते हो, अल्बर्ट स्टेन का काम कहाँ पे आता है, कमेंट करके बता सकते हो मेरे लाल। ओके चलो, अगला पॉइंट है आपका 9 नंबर का। ओके, लिकोसाइट डेट लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द टिश्यू माइक्रोफेजेस इज कॉल्ड। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक सा। ये कह रहा है कि जो कौन सा ऐसा प्रकार का लिकोसाइट है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का कौन सा ऐसा प्रकार है जो ब्लड स्ट्रीम को छोड़ देता है, लीव कर देता है, और अपना कहाँ पे चला जाता है, आपके टिश्यू में चला जाता है और आपके माइक्रोफेजेस का काम करता है, तो इस प्रकार के सेल्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है, बेसोफिल्स कहते हैं, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, या फिर आपका लिम्फोसाइट्स, ठीक। तो भाई राइट आंसर यहाँ पे स्वाति ने भी बताया है, सुभाष भाई ने इसका राइट आंसर भी बताया है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताओ इसका राइट आंसर बच्चा क्या होगा। हाँ तो कपिल भाई बिल्कुल, मुकेश भाई बिल्कुल, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज द इसका राइट आंसर बनेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा और इसकी बात में, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इनके साइज को देख पाते हैं कि इनका एक्चुअली में साइज होता क्या है। तो न्यूट्रोफिल्स की अगर साइज की बात करेंगे, तो न्यूट्रोफिल्स का जो साइज होता है 10 to 14, ठीक है, माइक्रोन होता है। लिम्फोसाइट्स की अगर बात करोगे तो कितना, कम से कम आपका 7 से लेकर 10 माइक्रोन तक का है। मोनोसाइट की बात कर लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, मोनोसाइट आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, तो 15 से 18 आपका माइक्रोन हो जाएगा। और बेसोफिल की अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10 to, ठीक है, 10 to आपका 14 आपका, ठीक है, हो जाता है। तो इस तरह से आप तीन हो गया आपका, एक आपका छूट रहा है, क्या एक कौन सा छूट रहा है भाई, न्यूट्रोफिल छूट रहा है, न्यूट्रोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, तो बचा क्या इसमें, कमेंट करके बताओ बचा क्या यार, इस्नोफिल, ठीक है, इस्नोफिल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक, इसनोफिल बचा, ठीक है,
तो स्नोफिल में आपका हो जाएगा 12 टू, ठीक है, 12 टू आपका हो जाएगा 17, ठीक। तो ये आपका 17 माइक्रोन का हो जाएगा, 12 टू 17 माइक्रोन का। तो बेसोफिल 10 से 14, मोनोसाइट 15 से 18, न्यूट्रोफिल्स आपका 10 से 14, लिम्फोसाइट 7 से 10, और स्नोफिल आपका 12 से 17 माइक्रोन, ठीक। ये आपका हो गया। ध्यान रखना सभी के वर्क भी देख लो बच्चा, ठीक है, वर्क भी यहाँ पे थोड़ा सा जानना जरूरी है। वर्क में बेसोफिल क्या काम करेगा आपको पता होगा, बेसोफिल की अगर बात करेंगे, यही मैं लिख देता हूँ, ये आपके हिस्टामाइन, ठीक है, हिस्टामाइन और हिपेरिन का फार्मेशन करते हैं, ठीक है, हिस्टामाइन और हिपेरिन का फार्मेशन करते हैं, ठीक है। मोनो ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा है तो अलग अलग बुक में अलग अलग है, ठीक है, मैं अपने मन से कोई बात नहीं बताता हूँ, यह ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। पहले मैं सारे प्रश्नों का एनालिसिस कर लेता हूँ, डाटा कभी भी गलत मैं नहीं देना चाहता हूँ, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक। न्यूट्रोफिल्स क्या काम करेगा, नहीं चलो बेसोफिल, बेसोफिल में आपको पता चल गया हिस्टामिन और हिपेरिन का सिक्रीशन करेगा। बेसोफिल के बाद में आपका मोनोसाइट आ जाता है, तो मोनोसाइट काम क्या करेगा, तो मोनोसाइट का तो पता ही चल गया होगा, माइक्रोफेजेज का काम है, ठीक है, तो मोनोसाइट आपका क्या करेगा, माइक्रोफेजेज का काम करेगा, ठीक है। माइक्रोफेजेस, भाई पेन बदल जा, अरे भाई बदल जा, माइक्रोफेजेस का काम करेगा बच्चा, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या काम करेगा बताओ भाई, न्यूट्रोफिल्स क्या काम करेगा, तो ध्यान रखना, जैसे आपका मोनोसाइट माइक्रोफेजेस का काम करता है, ऐसे जो आपका है न्यूट्रोफिल्स आपके, ठीक है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है, बिल्कुल भाई, किसने बताया, मुकेश भाई, फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स, बिल्कुल चेतना राइट आंसर है, मुकेश भाई राइट आंसर है, ओके। अब यहाँ पे बात बची किसकी, केवल लिम्फोसाइट्स की बची, तो ध्यान रखना प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ऑफ एंटीबॉडी, या फिर कह सकते हो इम्यून सेल भी कह सकते हो, एंटीबॉडी, ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण करना, ठीक। तो फंक्शन भी आपको पता चल गया, इनके कुछ साइज भी पता चल गए, इसमें एक चीज बच रहा है कि इनका जो कलर होता है, ठीक है, कलर क्या होता है, तो मैं इसका एक लिस्ट जो है भेज दूंगा अपने ग्रुप में, उसको देख लेना, ठीक है। चलो आगे आते हैं भाई, आगा अगला वाला प्रश्न क्या है भाई, देख लेते हैं, देख लेते हैं, एक्चुअली में क्या होता है ना, चलो 10 नंबर के, 10 नंबर का एमसीक्यू है, व्हिच ल्यूकोसाइट प्रोटेक्ट योर बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो कुछ छूट गया है, मैं लग रहा है कुछ छूट गया है, ठीक है, कुछ नहीं छूटा है, ठीक है, बिल्कुल है। व्हिच ल्यूकोसाइट प्रोटेक्ट योर बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, यानी कि कौन सा ल्यूकोसाइट है जो कि आपको एलर्जिक रिएक्शन से बचाएगा, साथ में पैरासिटिक इन्फेक्शन से भी बचाएगा। तो पता चल गया होगा भाई, क्यों, कैसे पता चला बताओ। हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो बेसोफिल नहीं होगा हर बार, ठीक है, ये स्नोफिल हो जाएगा, और देखो मैंने यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए हुए थे बच्चा, ठीक है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे एक बच रहा था आपका स्नोफिल, और इसका जो काम हो जाता था यही हो जाता था, एलर्जिक रिएक्शन में अपना काम करते हैं, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में, ठीक है, काम करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मुकेश भाई स्नोफिल एलर्जिक रिएक्शन, और सिक्रीशन की अगर बात करता है हिस्टामिन और हिपेरिन की, तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका बेसोफिल हो जाता है। ये दो पॉइंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना मेरे लाल, ओके, बिल्कुल। चलो भाई उमा मुकेश भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का, ये कह रहा कि पर्निशियस एनीमिया इज, यानी कि पर्निशियस एनीमिया आपका किस प्रकार का एनीमिया है, डिफिशियंसी डिजीज ऑफ फोलिक एसिड एंड ऑटो इम्यून डिजीज विच पैरासल सेल एट्रॉफी, या फिर आपका डिफिशियंसी डिजीज या विटामिन B12 या फिर आपका आयरन डिफिशियंसी। देखो आयरन डिफिशियंसी विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो रही है, या फिर आपका इस तरह से कह सकते हो फोलिक एसिड प्लस आपके विटामिन B12 की, तो ये आपका क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक में जाता है, ठीक है, मेगलो में जाता है, ओके। बट यहाँ पे जब आपका परनीशियस एनीमिया की बात होती है, तो इसमें इसमें भी आपका जो है विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है बच्चा, ठीक है, विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है ये नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं हो पाता है, जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी तो हो जाती है, ठीक है, लेकिन किस तरह से डिफिशियंसी होती है,
जब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये आपका जहां पे होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके पैराइटल सेल में, पैराइटल सेल आपके स्टमक में पाए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टमक में आपके पाए जाते हैं, तो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि आपके पैराइटल सेल में दिक्कत होने के कारण, यानी कि आपके स्टमक के पैराइटल सेल में दिक्कत होने के कारण आपके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परनीसियस एनीमिया कहते हैं, यानी कि हम घातक एनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, घातक एनीमिया के नाम से जानते हैं। हेमलता, मुकेश भाई, ठीक है, और चेतना, सभी बच्चों का राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है। ओके, चलो अगले प्रश्नों पे आते हैं अपना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, 12 नंबर का एमसीक्यू है, बेसिक सा है। इन चिल्ड्रेन बोन मैरो बायोप्सीज आर टेकन फ्रॉम, यानी कि चिल्ड्रेन में बोन मैरो की बायोप्सी अगर आप कर रहे हो तो कहाँ पे करोगे, प्रॉक्सिमल एंडाप्टिव या रिप्स इलियक क्रेस्ट या फिर आपका वर्टेब्रल बॉडी। तो देखो भाई, ये प्रश्न आपका कह सकते हो अगले वाले में भी हमने सॉल्व कराया था कि जो एडल्ट वाले होते हैं उनकी कौन कौन सी साइट होती है और जो चिल्ड्रेन है उनकी कौन कौन सी साइट होती है, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको जाके उसको देखना होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा, प्रॉक्सिमल इंडाप टीबिया इज द राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, जनरली मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ एडल्ट वाला, ठीक है, बोल सकता हूँ, कॉपी में लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है, लिख लो, बोल दें भाई, लिखोगे या फिर आगे बढ़ें, जल्दी से कमेंट करके बताओ, बोल दें या फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है चेतना, जान रही हूँ ना, एकदम से क्लियर कर लेना बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीडल्स के बारे में, इन सभी के बारे में याद कर लेना। ठीक है, बोल दें कपिल भाई, ठीक है, लिख लो। ठीक है, एडल्ट में अगर बात करेंगे तो स्टर्नम से आप कर सकते हो, लिख देता हूँ यार। ठीक है, एडल्ट की बात करता हूँ, स्टर्नम, स्टर्नम हो गया। ओके, ये एम है, ध्यान रखना। उसके बाद में सुपीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर या फिर इस तरह से कह सकते हो। ठीक है, इस तरह ही कर देते हैं भाई। ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन उसको बोलते हैं। ठीक है, इलियक स्पाइन, ठीक, सुपीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, तो ये ध्यान रखना। इलियक क्रेस्ट से भी कर लेते हैं, इलियक क्रेस्ट से भी कर लेते हैं, तो ये सब आपके साइट हैं, किसके, एडल्ट वालों की बोन मैरो बायोप्सीज की, और जो चिल्ड्रेन है अपर एंडाप्टिविया, प्रॉक्सिमल एंडाप्टिविया इज द राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल चेतना, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, चलो इस बार जवाब ले लेना बच्चा, ठीक है, बार बार फिर दोबारा मौका नहीं आएगा। रेजेंट यूज, हाँ, रेजेंट यूज फॉर टोटल WBC काउंटीज, यानी कि कौन सा रेजेंट यूज करते हो टोटल WBC काउंट के लिए, हिंगल मैन सोल्यूशन, गोवर सोल्यूशन, हेम्स फ्लूट, ट्रक फ्लूट। राइट आंसर है, सभी को पता होगा। क्या जाएगा इसका राइट आंसर भाई, ट्रक फ्लूट जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हेम्स फ्लूट आपका RBC के लिए हो जाएगा, गोवर भी आपका किसके लिए हो जाएगा, आपके RBC के लिए हो जाएगा, और हिंगल मैन किसके लिए हो जाएगा ये भी बता दो मेरे लाल, काहे देरी कर रहे हो, जल्दी से बताते जाओ, जल्दी से बता दिया करो, जी जो चीज आपको आए पहले ही बता के आगे अपना काम बना लिया करो। ठीक है, बाद में क्या क्या मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग अभी कंफ्यूज हो गए। अगर हिंगल मैन की बात करूं तो आपका एसिनोफिल काउंट के लिए करते हैं। ठीक है, हिंगल मैन, चेतना, प्लेटलेट के साथ साथ अगर प्लेटलेट ना करो तो ठीक है, क्योंकि आप इसनोफिल के लिए ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, स्नोफिल काउंट बच्चा, ठीक है, वेरी गुड। हिंगल मैन किसके लिए, स्नोफिल काउंट। यहाँ पे एक और ध्यान रखना, एक डेंगर फ्लूट के नाम से भी जानते हो, ठीक है, डेंगर सोलूशन, ठीक है, डेंगर सोलूशन या फिर फ्लूट कह लो, तो ये भी आपके स्नोफिल काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है। ओके, तो दोनों याद रखना, हिंगल मैन भी और डेंगर वाला भी। ठीक, चलो अगली, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है मेरे लग रहा है, ध्यान रखना WBC पिपेट और RBC पिपेट दोनों पे थोड़ा सा अपना नजर बना के रखना, और निवार चैम्बर पे भी अपना नजर बना के आपको रखना है, नॉर्मल रेंज पे नजर बना के रखना है, डिक्रीज और इंक्रीज वैल्यू पर भी अपना नजर बना के रखना है। जितने लोग सुन रहे हो सब लोग देख लेना, ट्रक फ्लूट कंटेन ग्लेशियल स्टिक एसिड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, दो कह सकते हो, तीन, हाँ तीन पाई जाती हैं। ठीक है, ग्लेशियल स्टिक एसिड और क्या मेन क्या है भाई, हाँ चेतना, मैंने सब बता दिया है। ठीक है, चलो अगला आप आज जो है
नंबर का एमसीक्यू, डायरेक्ट कॉम टेस्ट यूज टू डिटेक्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉम टेस्ट किसके लिए क्या आता है? फ्री एंटीडी बॉडी को चेक करने के लिए, हिमोलॉइड आरबीसी को चेक करने के लिए, क्रिटराइज आरबीसी को चेक करने के लिए, या फिर आपका सेंसिटाइज आरबीसी को चेक करने के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर जाएगा, सेंसिटाइज आरबीसी को चेक करने के लिए यहाँ पे आपका किया जाता है। ठीक है, जेनसन वॉलेट आपका जो हो जाएगा वो आपके आरबीसी को लाइज कर देगा, और सॉरी ग्लिसरेस्टिक एसिड, और जेनसन वॉलेट जो है वो डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी को नहीं, डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई को, डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई को क्या करता है भैया? वो स्टेन करता है। ठीक है, ध्यान रखना बल्कि। ठीक है, चलो बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड चेतना। ठीक है, तो लिख सकते हो भाई जो यहाँ पे ट्रक फ्लूड, ट्रक फ्लूड में जो आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, जिसमें 1% ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसके लिए? ये आपके आरबीसी को लाइज करता है, इसमें आरबीसी को लाइज करने का काम कर रहा होता है। और जो जेंसन वॉलेट है, ओके, जेंसन जो वॉलेट है बच्चा, ये क्या काम करता है? ये आपका जो है, ये आपका मेन कह सकते हो डाइज है, ये आपके डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियाई को यहाँ पे स्टेन करता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला आपका हो जाएगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट यूज किसके लिए यूज किया जाता है? सेंसिटाइज आरबीसी के लिए, मतलब कि को चेक करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, इससे कई प्रश्न बनेंगे, इसको देख लो थोड़ा सा। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ होल ब्लड इज, यानी कि होल ब्लड को अगर आपको स्टोर करना है तो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, प्लस माइनस 4, 2 है, यानी कि 4 भी हो सकता है, 4 से भी कम और 4 से ज्यादा। ठीक है, दो दो इसमें घटा बढ़ा दिया जाएगा, 10 प्लस माइनस 2, यानी कि 2 2 2 प्लस माइनस 2, या फिर आपका 16 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो राइट आंसर सभी को पहली बात तो ये पता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ पूरी डिटेल, यहाँ पे होल ब्लड की अगर बात करता हूं, भाई कोई चीज जल्दी से, चलो होल ब्लड। ठीक है, होल ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो टेम्परेचर बनता है 2 टू 6 डिग्री, और जो डे होता है ये आपके अलग अलग एंटी काउंट कॉगुलेंट पे डिपेंड करता है, बट 45 से 42 डे तक इसको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्लियर है? प्लेटलेट की अगर बात करेंगे, प्लेटलेट को आप कितने टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो भाई? 20 से 24 टेम्परेचर पहले ना लिखते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर पहले नहीं लिखेंगे, 1 मिनट रुक जाते हैं भाई, थोड़ा सा कंप्यूटर महादेव जी क्या करते हैं, दिक्कत देते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट आपका, हाँ भाई क्या, टेम्परेचर ही तो पहले लिखना आता है, पहले ही फर्जी मिटाल दिए। ठीक है, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रूम टेम्परेचर इसको कहते हैं, और 5 दिनों के लिए इसको आप स्टोर करते हो। क्लियर है ना? और उसके बाद में अगर एफएफपी की बात करोगे, एफएफपी की बात करोगे तो एफएफपी को कितने टाइम के लिए? तो भाई एफएफपी का अलग अलग टेम्परेचर मैंने देखा है, ठीक है, -30 डिग्री सेल्सियस पे आप 1 वर्ष के लिए इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, 1 वर्ष के लिए -30 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप स्टोर कर सकते हो, ध्यान रखना 1 ईयर के लिए, बिल्कुल चेतना। ठीक है, एफएफपी और प्लेटलेट ध्यान रखना 5 दिन के लिए ही स्टोर किया जाता है, यानी कि इसका जो लाइफ टाइम होता है वो आपका, ठीक है, वो आपका 5 दिन होता है, और रूम टेम्परेचर पे यानी कि 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको, ठीक है, रख सकते हो। होल ब्लड आपका 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे, होल ब्लड के साथ साथ यहाँ पे आपका जो पी आरबीसी होता है, यानी कि पैक्ड सेल आरबीसी होता है, इसको भी इसी टेम्परेचर पे आप रखते हो। ओके, ध्यान रखना सौरभ, देखो सही बात है, 70 -70 पे आप 5 वर्ष के लिए रख सकते हो। ठीक है, हाँ, क्रायो को भी 1 ईयर के लिए रख सकते हो बेटा, हाँ क्रायो को भी 1 ईयर के लिए रख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, दिख जा भाई। अगला एमसीक्यू आपका यहाँ पे 16 नंबर का एमसीक्यू है। ए हेल्दी मेल पर्सन इन 18 to 60 ईयर एगो, एज ग्रुप है इनका, ठीक है, एगो नहीं लिखा है, एयर, ठीक है, एज ग्रुप कैन डोनेट ब्लड इन, यानी कि एक 18 से लेकर 60 वर्ष का व्यक्ति है, ये कितनी बार डोनेशन कर सकता है? एवरी 2 मंथ, एवरी 3 मंथ, या फिर आपका 4 मंथ, या फिर हाफ लाइफ? तो अपना 3 मंथ दे सकता है। और एक प्रश्न जनरली बन सकता है कि एक जो डोनर है जो अपना ब्लड डोनेट करता है कितनी लाइफ को सेव कर सकता है, भी आपको बताना है। ठीक है,
कितनी लाइफ को सेव कर सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जनरली प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चा। एक बात यहाँ पे और हो सकता है कि जो बेट होते हैं वो कितनी होनी चाहिए, बेट कितनी होनी चाहिए, ये तीनों प्रश्न, दो प्रश्न का जवाब दो। 50 केजी रूपाली, 45 केजी। बच्चा देखो यार, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, यहीं पे गलतियां करके आते हो, ठीक है। पाउंड बताओ, पाउंड, बेट को पाउंड वाले में बताओ, जो बताया था इतना बताओ, जितना बच्चा। 110 पाउंड, बिल्कुल गोविंद भाई, ठीक है। 110 पाउंड होता है बच्चा, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। ज्यादातर अगर देखें तो 48 और 50 को प्रिफर करना, ठीक है। 45 मत प्रिफर करना, 48 और 50 केजी को प्रिफर करना, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, 110 पाउंड होता है बच्चा, ठीक है। तो पाउंड में पूछेगा तो 110 पाउंड, केजी में 48 से 50 वाले को कवर कर लेना, ठीक है। मुकेश भाई, 3 मंथ 4 मंथ ऐसा कुछ नहीं होता है। एक नॉर्मल वेट जो होता है 48 से 50 केजी के बीच में, अगर हम आइडियल की बात करें, ठीक है, एक अच्छे ब्लड बैंक की बात करें, तो कोई 45 पे ले रहा है, कोई 50 पे, कोई 52 पे, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ सौरभ भाई, पाउंड आ सकता है, क्योंकि जनरली केजी वाले में कंफ्यूज होते हैं लोग, तो पाउंड दे सकता है, ठीक है। और एक एक जो डोनर है, कितनी जान बता सकता है, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया, जल्दी से बताओ, एक डोनर कितने लोगों की जान बचा सकता है। मुकेश बताओ, सौरभ भाई तुम ही बता दो। 3, गलत कर रहे हो रूपाली, चेतना 3 कैसे, 4 होगा बच्चा, ठीक है, 4 को बचाएगा कैसे, कैसे देख लो। पहला तो आपका PRBC हो गया, ठीक है, क्लियर। दूसरा आपका FFP हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। फिर आपका FFP के बाद क्या हो जाएगा, प्लेटलेट हो जाएगा, 3 हो गया। और आपका क्रायो, क्रायो हो गया, ठीक है, क्रायो, 4 बच गया ना। तो ऐसे क्या करोगे ना, जल्दी जल्दी में गलतियां कर दोगे अगर आ गया ऐसा प्रश्न। बहुत सिंपल सा, ऐसे पूछा कभी नहीं गया मुझे लगता है, अगर आ गया तो गलतियां करोगे, ओके। चलो अगला है आपका 17 नंबर का MCQ, और ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरह से कह सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा है। द शॉर्ट फार्मूला फॉर मेजोर क्रॉस मैच इज, यानी कि आपके मेजोर क्रॉस मैच का शॉर्ट फार्मूला क्या है। डीसी प्लस बीसीएस, पीसी प्लस डीएस, सीसी प्लस सीसी, सीएस, पीडी प्लस सीएस। तो देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, इसको लर्न कर लो अपने दिमाग में, कि मेजोर क्रॉस मैचिंग की अगर बात किया जाएगा, किसकी, अगर आपके मेजोर क्रॉस मैचिंग की बात किया जाएगा तो डीसी प्लस पीसी हो जाएगा, ठीक है, पीएस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। और अगर यहीं पे माइनर की बात कर लेगा, ठीक है, माइनर की बात कर लेगा, माइनर क्रॉस मैच की बात कर लेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डी एस प्लस पीसी, उल्टा, सीधा उल्टा कर देना इसका, मतलब कि जो डी है, ये वाला सी इधर चला जाएगा और ये वाला एस इधर आ जाएगा, इसी से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो आपका जो है मेजोर क्रॉसिंग मैचिंग, डीसी प्लस पीएस, अच्छा मतलब क्या हुआ है भी ध्यान रखना, डोनर, ठीक है, डोनर का क्या, सेल, डोनर का सेल, और पीएस का मतलब क्या हो जाता है, पेशेंट का सीरम, पेशेंट का सीरम, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना ऐसा, बहुत बच्चे जो नए वाले होंगे तो क्लास पिछला नहीं किए होंगे, तो ये कहेंगे डीसी पीसी क्या बता रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि डीसी का मतलब डोनर का सेल, और पीसी पीएस का मतलब आपका पेशेंट का सीरम, और यही माइनर में उल्टा हो जाता है, डोनर का सीरम और पेशेंट का सेल हो जाता है, ठीक है। चलो मुकेश बिल्कुल राइट हो, ओके। ये आपका 18 नंबर का एमसीक्यू, इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से रखा है, हमें लगता है कि ये जो एमसीक्यू है हर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लैब टेक्नीशियन के लिए नहीं, एनम जेनम जनरल फॉर सिंथेसाइज एज ए स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ विटामिन सी की बिटोल, बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके किसमें, आपके B12 के सिंथेसिस में आपका जो कोबाल्ट है उसकी आवश्यकता होती है बच्चा, ओके। 19 नंबर का एमसीक्यू है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में क्या सिमिलरिटी होती है। देखो हमने एक टेलीग्राम लिंक बना दिया है प्रैक्टिस सेट वालों के लिए, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक बना दिया है बच्चा, और हमने वहां पे आपको लिंक भी दिया है चैट वाले ग्रुप में, यहीं पे टीचमेंट पे ही, और वहां पे कल हमने डीएनए और आरएनए का जो डिफरेंट है वो हमने भेजा था, और सिमिलरिटी तो आप यहाँ पे देख ही पाओगे, ओके।
क्लियर है? दो तीन चीज हमने भेजी थी आपको, अगर आपने गौर किया होगा तो, और नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्रिटिकल टाइम है, क्रिटिकल टाइम का मतलब है कि एंड टाइम है, तो जो भी चीज भेजे आपको ग्रुप में एक बार नजर उस पर जरूर डाल दिया करो, ठीक है? इग्नोर मत करना बच्चों। 19 नंबर का प्रश्न है कि सिमिलरिटीज क्या। देखो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि डिफरेंट क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया है, क्या सिमिलर है इसमें? तो देखो बोथ आर पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर आपका बोथ है पेंटोज सुगर, या फिर आपका ठीक है बोथ है सेम प्यूरिन, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताओ इसका, कुछ भी बताओ यार जल्दी से बताओ, कुछ भी बता दो। रही भाई डी, कपिल भाई, ठीक है देखो सब खचपच खचपच हो गए, ठीक है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है? चलो भैया बुद्धि अच्छा लगा लिए, ठीक है रवि, कि भैया आल ऑप्शन है तो मार देते हैं, देखा जाएगा, ठीक है? तो इसके सभी राइट आंसर हैं, हम सभी के पास प्यूरिन्स होंगे, बोथ पेंटोज सुगर होंगे, ठीक है? और इनका जो पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड है वो आपका दोनों सेम है। डिफरेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, डिफरेंट की अगर बात करोगे तो दोनों के फुल फॉर्म में अंतर है। डीएनए का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर आरएनए की बात करोगे तो आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है बच्चा, ठीक है? आज राइटिंग समझ में आ रही है कि आज भी नहीं आ रही है? रवि भाई याद आ गया, अच्छा ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, क्या बात करूं, देखो इसमें डेक्सट्रो, ठीक है डेक्सट्रोज कह सकते हो, ठीक है, शुगर पाया जाता है, डेक्सट्रो टाइप का आपका शुगर पाया जाएगा इसमें, राइबोज टाइप का, ठीक है राइबोज टाइप का, राइबोज टाइप का शुगर, ठीक है राइबोज टाइप का शुगर पाया जाता है। तो ये सब डिफरेंट है, मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, सिमिलरिटी नहीं बता रहा हूँ, ठीक। ये अगर मैं बात करूंगा डीएनए की, तो डीएनए इधर ऊपर है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और आरएनए जो है आपका, आरएनए की अगर बात करोगे तो आपका ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है जनरली आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये आपकी होगी बात, ओके। हाँ बिल्कुल 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 गोविंद भाई। उसके बाद में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, नोट कर लेना, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड बेस है, यहीं पे मैं लिखता हूँ डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है, जहां पे इनका कह सकते हो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है न्यूक्लियोटाइड बेस, ये क्या क्या होते हैं, ये कौन कौन होते हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बेस आपके कौन कौन से होते हैं, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। और जो बेसिक से अंतर है ये भी आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि एक्चुअली में है क्या। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड बेस है, इसमें आपका एडनीन पाया जाएगा, ओके एडनीन होगा आपका, गुआनीन होगा आपका बच्चा, ठीक है गुआनीन होगा, और यहाँ पे आपका साइटोसिन होगा, साइटोसिन होगा, और जो आपका लास्ट होगा आपका थायमिन होगा, ठीक है ये ध्यान रखना उसके, साइटोसिन, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बेस जो है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बेस, भाई कंप्यूटर पूरी उड़ जाती है, हाँ न्यूक्लियोटाइड बेस, ठीक है न्यूक्लियोटाइड बेस, भैया राइटिंग देख लेना अपने हिसाब से, इसमें सब सेम होगा, बस एक जगह पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आजा भाई आजा, स्क्रीन गायब मत हो, हाँ एडनिन होगा आपका, क्लियर है ये सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, गुआनिन भी आपका सेम होगा, गुआनिन भी आपका सेम होगा, साइटोसिन भी आपका सेम होगा, दिक्कत कहाँ पे होगी, आप ही कह सकते हो अंतर कहाँ पे होगा, तो आपका यहाँ पे आपका यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है यूरेसिल आ जाएगा। किसी ने जवाब दिया या नहीं जवाब दिया इस बात का, बहुत अच्छे बेटना चेतना, ठीक है यूरेसिल बिल्कुल 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 बहुत अच्छा, ठीक। तो इसको हाइलाइट कर लो यहाँ पे डीएनए और आरएनए वाले बात में, ओके। अब ये कंप्यूटर कह रहा है कि नॉट रिस्पॉन्ड कुछ करके, इसका मैं क्या करूं भाई समझ नहीं आता, ओके। ये देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला आपका है थायमिन और यूरेसिल, डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड बेस में आपके थायमिन रहेगा, एडनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन, जबकि आरएनए में एडनिन गुआनिन साइटोसिन ये आपको देखने को मिलेंगे, बस यूरेसिल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बताओ भाई जितने लोग देख रहे हो, ठीक है जो जवाब दे दिए हैं उनको छोड़ के, ठीक है उनको ये बात समझ में आई या नहीं आई,
जो इनका बेस होता है, ठीक है, कह सकते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या दिक्कत होती है, क्या परिवर्तन होता है, तो ये डिफरेंट है, इसको ध्यान रखना। ओके, आ गया सौरभ भाई, चलो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सुभाष भाई, ठीक है कपिल भाई, ठीक है सभी को क्लियर होना चाहिए। अगला आपका 20 नंबर का एमसीक्यू, ये क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, ये कहना कुछ इस तरह से कहा है कि द अर्ली मॉर्निंग यूरिन असेसमेंट प्रिजर्व हिज सबस्टेंस ड्यू टू इट्स लो पीएच। ठीक है, यानी कि आपका कौन सा यहाँ पे मॉर्निंग का जो कह सकते यूरिन है उसको अगर आप प्रिजर्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या क्या वो प्रिजर्व कर रहा है, प्रिजर्वेटिव अगर यूज कर रहे हो तो क्या क्या प्रिजर्व कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, द अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल प्रिजर्व हिज सबस्टेंस ड्यू टू द इट लो पीएच, यानी कि लो पीएच पे किस सबस्टेंस को वो प्रिजर्व करेगा, सेलुलर एलिमेंट को, कास्ट को, क्रिस्टल्स को, या फिर आपके नन ऑप्शन को। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे बच्चा, ठीक है, कि कास्ट, क्रिस्टल और सेल की, ठीक है, तो ये सभी को प्रिजर्व कर रहा होता है, बट ऑप्शंस में आप ऑप्शन नंबर एक को लगा देना। ठीक है, सेलुलर एलिमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका एक्चुअली में सेलुलर एलिमेंट में कास्ट, सेल, आपके WBC आ रहे हैं, बट इस तरह से सेलुलर एलिमेंट लगा देना पर्टिकुलरली, सभी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रिजर्वेटिव है इनकी भी ध्यान रखना आप लोग कि प्रिजर्वेटिव आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सभी को पता होगा टालुलिन है, कंसनट्रेटेड HCl है, फॉर्मेल्डिहाइड है, बोरिक एसिड है, ठीक है, ये सब है, और इसमें जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या बात है, इसका जो है जो फॉर्मेल्डिहाइड है आपके सेलुलर एलिमेंट को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, सेलुलर एलिमेंट को प्रिजर्व करते हैं, थाइमॉल भी है बच्चा, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल इसका, ठीक है, थाइमॉल भी है, तो कई सारे प्रिजर्वेटिव है। NHA में एक प्रश्न आ गया था, उसमें राइट आंसर बोरिक एसिड होना चाहिए था और बच्चों ने गलत करके, ठीक है, तो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, टालोडीन है, HCl है, बोरिक एसिड, थाइमॉल और फॉर्मेल्डिहाइड भी ध्यान रखना। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए एक प्रश्न बनता है कि प्रिजर्वेटिव में फॉर्मेल्डिहाइड क्यों यूज करते हैं, तो वो सेलुलर एलिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर देता है। ठीक है, अगले एमसीक्यू पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका 21 नंबर का एमसीक्यू है। देखो भाई इसका मैं भेज दूंगा, परेशान ना होना, ओके, इसका मैं भेज दूंगा, अपने आप से भी ग्रुप में शेयर कर लिया करो थोड़ा सा, ओके। चलो, मिल्की अपेरेंस ऑफ यूरिन इज बिकॉज ऑफ, यानी कि अगर यूरिन का जो कलर है वो आपका मिल्की है तो किस चीज का यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, डायबिटिक मिलाइटस, डायबिटिक इंसिपिडस, ड्यूरेटिक इनटेक, फिर आपका चाइल्ड यूरिया, तो राइट आंसर चाइल्ड यूरिया जाएगा। अच्छा, डायबिटिक मिलाइटस के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिन का कलर क्या देखने को मिलेगा, बताओ हेमलता, डेंगी, जो या फिर जो भी आपका नाम है। ठीक है, डायबिटिक मिलाइटस के केस में आपको यूरिन का कलर कैसा अपीयरेंस होगा, कोई बता दे भाई जल्दी से। क्लाउडी मुकेश नहीं रहेगा, क्लाउडी नहीं कह सकते यार, सच बताएं तो वाटरी रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे डाइल्यूटेड ज्यादा रहता है तो वाटरी कलर देखने को मिलेगा। कलर अपेयरेंस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आप कलर की मत बात करो, सीधे सीधे आप अपेरेंस की बात को, तो वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, अगला आपका 22 का है, इसका भी मैं भेज दूंगा, बहुत सारे इसमें कंडीशन है कलर वाले में, ध्यान रखना। RBC अगर आ रहा है तो क्या कलर देखने को मिलेगा, और टर्म क्या होगा, हीमोग्लोबिन आ रहा है तो क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना, तो भेज दूंगा इसको भी। ड्यूरिंग प्रोटीन एग्जामिनेशन इन यूरिन हिज प्रिजर्वेटिव इज नॉट यूज इन सल्फो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, या फिर सल्फो सैलिसिलिक मेथड। तो अगर आप प्रोटीन एग्जामिनेशन कर रहे हो, मेथड जो है आपका सल्फो सैलिसिलिक एसिड है, तो किस प्रकार के प्रिजर्वेटिव को आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे। देखो एक आपका और आ गया क्लोरोफॉर्म, प्रिजर्वेटिव के रूप में आपका एक क्लोरोफॉर्म आ गया, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखो याद नहीं करोगे, सॉरी याद कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव जो यूज नहीं करोगे सल्फो सैलिसिलिक वाले में, वो आपका टालोलिन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, टालोलिन आप यूज नहीं करते हो। सल्फो सैलिसिलिक एसिड के साथ प्रोटीन एग्जाम क्लियरेशन के लिए आपका हीट हो जाता है, हीट कॉगुलेशन, दूसरा आपका हो जाता है नाइट्रिक से टेस्ट, नाइट्रिक में आपका हीलर, उसको बोलते हैं हीलर, ठीक है, हीलर टेस्ट होता है, हीलर में हम नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। ठीक है,
और आपका सल्फोसैलिसिलिक एसिड हो जाता है। ओके, ये अगला आपका 23 नंबर का एमसीक्यू है बच्चा, 23 नंबर का एमसीक्यू है। हाँ, स्ट्रिप मेथड आप ये समझ सकते हो, बस स्ट्रिप मेथड आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा भी जाएगा तो ये पूछ सकता है कि प्रोटीन के लिए कौन सा केमिकल लगा होता है, बस। ठीक है, सेमाइनल फ्लूड, सेमाइनल डाइल्यूटिंग फ्लूड कंटेन, यानी कि सेमाइनल डाइल्यूटिंग फ्लूड आपका क्या कंटेन करता है। देखो, सेमाइनल डाइल्यूटिंग फ्लूड आपके सीमन के एनालिसिस के लिए इसका उपयोग करते हो, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और फार्मलिन दोनों का उपयोग करते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। अगला आपका 24 नंबर का एमसीक्यू है, और 24 नंबर का एमसीक्यू कुछ इस प्रकार से है। परसेंटेज ऑफ इमोटाइल स्पर्मेटोजोवा इन नॉर्मल सीमेन सैंपल इज, यानी कि अगर एक नॉर्मल कह सकते हो सीमेन सैंपल की बात करें, तो इसमें जो इमोटाइल स्पर्मेटोजोवा हैं इनकी परसेंटेज क्या होती है। ऑप्शन सभी आपके आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा कंप्यूटर महोदय जो है डिले कर रहे हैं। बताओ भाई इसको, बी डी 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 मत करो, डी आपका नहीं परफेक्ट जाए, ए आपका जाएगा। ठीक है, इमोटाइल स्पर्मेटोजोआ की अगर बात करोगे तो आपका 10 से 15% देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना आपका देखने को मिलेगा, 10 से 15%। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा कंप्यूटर महोदय जी ज़्यादा ही धोखा दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। 25 नंबर का एमसीक्यू क्या कह रहा है, देखो भाई इसको। व्हिच इज द मेन शुगर ऑफ सीमन, ठीक है, यानी कि आपके सीमन में आपका शुगर कौन सा होता है, मेन शुगर कौन सा पाया जाता है, ये आपको बताना है। आपके सीमन में मेन शुगर के रूप में कौन सा यहाँ पे शुगर पाया जाता है, ये आपको बताना है बच्चा। बता दो एक बार जल्दी से, देखो 1 घंटे हम लोग को क्लास करते हुए हो गया है भाई साहब। हाँ ठीक है, ठीक है, फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान रखना है। ठीक है, मेन शुगर आपके सीमेन में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, अगला आपका 26 नंबर का एमसीक्यू है, देखते चलो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल क्रिस्टल प्रेजेंट इन स्टूल, देखो ध्यान रखना, यूरिन की बात नहीं क्या है, स्टूल की बात क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल क्रिस्टल आपके स्टूल में कौन से प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल फास्फेट, ठीक है, चारकोल लेडन क्रिस्टल, या फिर आपका हेमाटोइड क्रिस्टल। देखो ट्रिपल फास्फेट आपकी ज्यादातर यूरिन में देखने को मिलता है, ठीक है, कहाँ पे, आपके यूरिन में देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे चारकोल लेडन क्रिस्टल और हेमाटोइड क्रिस्टल, ये दोनों ही आपके स्टूल के एबनॉर्मल क्रिस्टल के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला आपका यहाँ पे 27 नंबर का एमसीक्यू है, ये क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन बेस्ट आइडेंटिफाइड डिप्थेरिया बेसलाई, यानी कि अगर आप डिप्थेरिया बेसलाई को मतलब कि विजिबल करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो बेस्ट स्टेनिंग आपका कौन सा होगा, ग्राम स्टेनिंग, लिस्मन स्टेनिंग, या फिर आपका इम्यूनो फ्लोरोसेंट स्टेन, या फिर आपका एसिड फास्ट स्टेन। तो देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे एसिड फास्ट, लिस्मन स्टेन और जिम ग्राम स्टेन, ये परफेक्ट स्टेन नहीं है। सी इज द राइट आंसर, आपका इम्यूनो फ्लोरोसेंट जो स्टेन है ये आपका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा बच्चा। ओके चलो अगले प्रश्न पे आते हैं जरा सा। ओके, लिस्मन स्टेन हेमलता नहीं जाएगा, लिस्मन स्टेन न्यूट्रल स्टेन है, और ज्यादातर कह सकते हो माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादातर क्या, ज्यादा मतलब कि कह सकते हो 70% आपका माइक्रोबायोलॉजी में लिस्मन स्टेन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, गलत कह रहा हूँ या बच्चे सही बताओ, आपने कभी देखा लिस्मन स्टेन को करते हुए माइक्रोबायोलॉजी में, कम है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, सेल्स वगैरह को जैसे आपकी आरबीसी को देखना हुआ या फिर किसी पैरासाइट को देखना हुआ, वहां पे आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक और पर्टिकुलरली अगर हम पैरासाइट की बात करेंगे तो जो ब्लड पैरासाइट होते हैं वहां पे ज्यादातर आपके, ठीक है, लिस्मन स्टेन का काम आ जाता है। ठीक है, चलो व्हिच
जेल इज यूज इन इम्यूनो डिफ्यूजन, ठीक है, इम्यूनो डिफ्यूजन के केस में कौन सा जेल यूज किया जाता है? एगार, पॉली, ठीक है, पॉलीक्रैलामाइड, ठीक है, या फिर आपका एग्रोस, या फिर आपका ऑल ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा। इम्यूनो डिफ्यूजन है जो है, इसको जो है थोड़ा सा मैं जो डिफिनेशन है उसको भेज दूंगा, आप देख लेना। ये आपके कई प्रकार के जो कह सकते हो, जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, ये सब प्रकार है जो है रिएक्शन के, एंटीजन वो एंटीबॉडी की, वही आपके एक प्रकार आपका इम्यूनो डिफ्यूजन का भी आता है। ओके, एक अगला प्रश्न आपका 29 नंबर का है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रश्न है। व्हिच एंटीबॉडी इज कॉल्ड कंप्लीट एंटीबॉडी, कौन सा आपका कंप्लीट एंटीबॉडी है? तो आईजीएम इज द कंप्लीट एंटीबॉडी, आईजीजी इज द इनकम्प्लीट एंटीबॉडी, ठीक है, और बहुत सारे बातें हैं आपके एंटीबॉडी में जो कि मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दूंगा, आप उसको देख लेना। क्लियर है? बताओ भाई, आपके ग्रुप में जो आप अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं फिर से लिंक दूंगा आपको, कहाँ पे, ठीक है, यही जो आपका चैट सेक्शन है, टीचमेंट पे चैट सेक्शन, वहाँ पे भेजूंगा। और कुछ मैं आज आपको पीडीएफ भेजूंगा, जिससे एंटीबॉडी का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार उसको देख लेना। हाँ बच्चे बिल्कुल, चेतना करें कि जिसे हाफ लाइफ बता दो सर, और उसके मॉलिक्यूलर वेट बता दो सर, और उसका वर्क बता दो सर, अलग अलग प्रकार के जो हमारे, जैसे कि आईजीए का है, आपके यहाँ से उसके द्वारा निकलता है, सिक्रेशन कहाँ कहाँ पे होता है, मोस्ट एवोडेंट आपका कौन सा एंटीबॉडी है, इन सब के लिए चेतना पीडीएफ में भेज दूंगा, बच्चा देख लेना, ठीक है, क्लियर है? कॉपी में देखो कहीं लिख के रखी होगी चेतना, फिर पीडीएफ देख लेना, वहां पे जाके वो आपको मिल जाएगा। ओके, या मैं खुद से लिख के, इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को शायद मैं लिख के कहीं पे रखा हूँ, उसको मैं भेज दूंगा। ओके चलो, 30 नंबर का जो एमसीक्यू है, देखो, व्हिच टेक्निक ऑफ एलाइजा यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडी, यानी कि एलाइजा का कौन सा टेक्निक है जो कि आपको एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए उत्तरदायी है? एलाइजा का कौन सा टेक्निक है जो कि एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगा? तो आपका ये इनडायरेक्ट एलाइजा हो जाता है, इनडायरेक्ट एलाइजा में आप एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, और अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी, अगर मैं बात करूँ आपके डायरेक्ट एलाइजा में, तो आप यहाँ पे एंटीजन को डिटेक्ट करते हो, ठीक है, एंटीजन को डिटेक्ट करते हो। अब बहुत जन का यहाँ पे प्रश्न हो जाता है कि कंफ्यूजन होता है सर, भैया कंफ्यूज मत हो, लर्न कर लो, इनडायरेक्ट में एंटीबॉडी और डायरेक्ट में एंटीजन को यहाँ पे आप लोग डिटेक्ट करते हो, ठीक है। और इससे भी आपका डाउट अगर नहीं क्लियर होता है, मैंने एक लेक्चर आपको भेजा था, उस लेक्चर को फिर से भेज दूंगा, देख लेना, जो प्रैक्टिस सेट वाले ग्रुप है उसमें, ठीक है। 31 नंबर का एमसीक्यू, बीडीआरएल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि बीडीआरएल टेस्ट क्यों कर रहे हो? पहली बात, इसके फुल फॉर्म को याद कर लेना, ठीक है, वेनेरियल डिजीज, ठीक है, क्या है भाई इसका फुल फॉर्म? फुल फॉर्म बताओ। हाँ, सेफलिस के लिए करते हैं, और एक बात और ध्यान रखना, सेफलिस के लिए करते हैं बीडीआरएल, बट एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कोई बता सकता है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? वेनेरियल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना। और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कोई अगर बता दे, ठीक है, चेतना बता दो बच्चे कि कहना क्या चाह रहा हूँ, कि बट बीडीआरएल आप डायग्नोस करते हो सिफिलिस के लिए, बट मैं पेन रख दिया हूँ, जब तक आप जवाब नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर डायरेक्ट कह देना कि सर नहीं आ जाता है, कंफर्मेशन टेस्ट, हाँ ठीक है, तो हो गया आपका ट्राइफोन पैलेडम स्क्रीनिंग फलुकुटेशन, नहीं स्क्रीनिंग, ठीक है स्क्रीनिंग, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट जो बात है कि बीडीआरएल पर्टिकुलरली, हाँ एफटीए, एबीएस, बिल्कुल ठीक है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, तो ये कह सकते हो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, नॉन स्पेसिफिक, क्या ठीक, हाँ नॉन ट्रिपो, ठीक है, ट्रिपोनेमल कह सकते हो, बोल बहुत अच्छे बच्चा, ठीक है, ट्रिपोनेमल टेस्ट, ठीक है, ये बात कहना चाह रहा था कि बीडीआरएल टेस्ट जो है नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट है, यानी कि पर्टिकुलरली ट्रिपोनोमा को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, ध्यान रखना, जो हमारी बॉडी के द्वारा जो भी हमारे सिक्रीशन होता है, उस सिक्रीशन के आधार पे इस बीडीआरएल का जो पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है, वो आपका बताता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, जिनको क्लास पहले से पता है, पढ़े हैं, उनको समझ में आ गया होगा। टाइफाइड, आपकी टाइफाइड फीवर, आपका साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, एंटेरिक फीवर किसके द्वारा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन सबको देख लेना। उसके बाद पे अगला हमारा जो एमसीक्यू है, थोड़ा सा वेट करते हैं भाई आ जाए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अगला आपका क्या है भाई, अगला आपका 32 नंबर का एमसीक्यू है, और ये क्या कहना चाह रहा है 32 नंबर का एमसीक्यू। इन ब्लड स्ट्रीम ऑफ मलेरिया पैरासाइट द कलर ऑफ द पिगमेंट ऑफ द पैरासाइट इन आरबीसी इज ऑफ व्हिच कलर। इन ब्लड फिल्म आप भाई क्या गया, हाँ इन ब्लड फिल्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, यानी कि आपकी अगर मलेरिया पैरासाइट का एक ब्लड फिल्म है, ऑफ द पिगमेंट ऑफ द पैरासाइट, यानी कि आपके आरबीसी में जो आपका पिगमेंट है वो आपका किस कलर का दिखेगा, यही पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा बच्चा इसके राइट आंसर की, तो बुक में इसका राइट आंसर ग्रीन बता रहा है, वैसे तो ब्लू भी होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है, बट ग्रीन बता रहा है तो ग्रीन ही अभी लगा लो, इसके डाउट्स को क्लियर करके आपको बता दूंगा। ठीक है, 33 का एमसीक्यू है, ट्रोफोजॉइट्स ऑफ गार्डियल एम्बलिया लिव इन, यानी कि आपका जो गार्डियल एम्बलिया है इसका जो ट्रोफोजॉइट्स है वो कहाँ पे रहता है, ड्यूडेनम में, इलियम में, जेजुनम में, या फिर आपके पैनक्रियाज में, बताओ जल्दी से, राइट आंसर जल्दी से बता दो, जेजुनम में, ठीक है, डेडुनम में आपके होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जितना बिल्कुल राइट हो आप, डेडुनम में इसका, ठीक है, जो ट्रोफोजॉइट से गार्डियल एम्बलिया का वो आपका पाया जाता है। गार्डियल एम्बलिया के बारे में भी कुछ बच्चा देख लेना, ठीक है, कुछ क्या देख लेना, कहने का मतलब मैं क्लास ले लिया हूँ थ्योरी में, और बहुत सारे इनके जो पैरासाइट, सॉरी पैरासाइट के स्टेजेस वगैरह इनके बारे में डिस्कस किया है, आप लोग थोड़ा सा देख लेना तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। मैं पीडीएफ डाल दिया करूंगा, जो हमारे पीडीएफ है उस पीडीएफ के माध्यम से आप क्लियर करते चलना। ठीक है, हाउ मेनी फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन ट्रोफोजॉइट्स ऑफ गार्डियल एम्बलिया, यानी कि गार्डियल एम्बलिया के ट्रोफोजॉइट में कितने प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो सभी को पता होगा 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, कपिल, स्वाति, ठीक है, रवि भाई, मुकेश, 4 प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी फ्लैजिला है, 4 प्रकार के नहीं, मतलब 4 आपके फ्लैजिला पाए जाते हैं बच्चे, ठीक है, गार्डियल एम्बलिया में कुल टोटल 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो ट्रोफोजॉइट स्टेज होता है। ठीक है, 35 नंबर का एमसीक्यू है, डॉट डॉट ऑफ द लिस्मेनिया स्पीसीज इज इन्फेक्टेड फॉर ह्यूमन, यानी कि कौन सा लिस्मेनिया का स्पीसीज है जो कि आपके ह्यूमन को यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है, ए मैस्टिगोट स्टेज है, प्रोमैस्टिगोट स्टेज है, या फिर आपका एपोमैस्टिगोट, या फिर आपका ट्रिपोमैस्टिगोट, तो बताओ इसका राइट आंसर, 35 का राइट आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, तो 35 का प्रोमास्टिगोट स्टेज होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाइए, ट्यूबरकुलर बैसिलाई ग्रोथ बेस्ट इन, यानी कि ट्यूबरकुलर बैसिलाई का जो है ग्रोथ वो बेस्ट कहाँ पे होता है, ऑप्शन टॉप O2 में, या फिर आपका प्रेजेंट ऑफ O2 में, या फिर आपका प्रेजेंट ऑफ CO2 में, या फिर आपका नन ऑप्शन। ट्यूबरकुलर बैसिलाई का जो ग्रोथ है बेस्ट ग्रोथ कहाँ पे होगा ये आपको बताना है, प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपका प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आपका एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। 36 का जो राइट आंसर है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट ऑफ O2 इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल हेमलता, चलो गोविंद बिल्कुल राइट आंसर। 37 का नंबर का प्रश्न, अमेरिकन विसरल लिस्मेनियासिस इस काज भाई, देखो हमने लिस्मेनियासिस के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है, ये मत कहना कि यहाँ पे भी सर ने डिस्कस नहीं किया है, जो बैच को परचेज किए हैं तो लिस्मेनियासिस के सभी वर्जन को हमने बताया कि अमेरिका में कौन काज हो रहा है, इंडिया में कौन सा है, ठीक है, तो सबके बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि जो PDF है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, 37 की अगर बात करेंगे कि अमेरिकन विसरल लिस्मेनियासिस जो है वो आपका क्या है, लिस्मेनिया चागासी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, लिस्मेनिया चैगेसी जो है इसका राइट आंसर जाएगा, विसरल लिस्मेनियासिस, वो भी अमेरिकन विसरल लिस्मेनियासिस जो है आपकी लिस्मेनिया चैगेसी है। ठीक है, 38 नंबर का राइट आंसर बताइए, रोमाना साइन इज पॉजिटिव इन, यानी कि रोमाना जो साइज है वो आपका किस में पॉजिटिव होता है, रोमाना साइज किस कंडीशन में पॉजिटिव देखने को मिलेगा, चागास डिजीज में शायद पॉजिटिव मिलेगा, राइट आंसर आपका जो जाएगा 38 का वो क्या जाएगा, आपका सी द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चेतना, हेमलता और गोविंद और मुकेश सभी लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, अगला एमसीक्यू है 39 नंबर का, इनरिचमेंट सिलेक्टिव एंड इंडिकेटर मीडिया आर वाइडली यूज्ड
फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम हिज टाइप ऑफ रिसेप्शन, यानी कि कुल मिला के कहना है कि इनरिचमेंट सिलेक्टिव मीडिया और इंडिकेटर मीडिया है, इसका उपयोग आप किसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा करते हो, यानी कि किस प्रकार के सैंपल में आप पैथोजन को देखने के लिए करते हो, ब्लड यूरिन फीकस या फिर आपका CSF। तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर जाएगा, फीकस में देखने के लिए करते हो। इनरिचमेंट मीडियम कैसा प्रकार का मीडियम है, तो लिक्विड मीडियम है। ठीक है, क्या है आपका, लिक्विड मीडियम है, एग्जाम्पल याद कर लेना। उसके बाद में बहुत कुछ है सिलेक्टिव मीडियम के बारे में, इंडिकेटर मीडियम में आपका ब्लड आ जाता है, ब्लड अगर आपका इंडिकेटर मीडियम में इंक्लूड होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट मीडिया में डिफरेंशिएट करने के लिए करते हो। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, चलो अगला आपका है 40 नंबर का MCQ। इन प्लेट कल्चर मेथड प्लेट ऑफ डॉट डॉट डायमीटर कॉमनली यूज। तो एक बच्चे ने बहुत पहले इसका प्रश्न पूछा था कि सर जो प्लेट होता है, ठीक है, जहाँ पे हम प्लेट कल्चर कर रहे होते हैं, उसका जो प्लेट का डायमीटर होता है वो कितना होता है, 30 mm का, 45 mm का, 60 mm का या फिर आपके 90 mm का। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, आपका 90 mm का होता है। राइट आंसर डी इज द राइट आंसर जाएगा। हेमलता, सुभाष, गोविंद, रवि, सभी का राइट आंसर है। 41 नंबर का MCQ है, इन डीप कल्चर मेथड व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो एट द बॉटम ऑफ ट्यूब, यानी कि डीप कल्चर मेथड में आपका जो है आपके ट्यूब के बॉटम में कौन सा प्रकार का बैक्टीरिया नीचे जाके बैठ जाता है, एरोबिक, एनारोबिक, नॉन पैथोजेनिक या फिर आपका पैथोजेनिक। तो भैया देखो ध्यान रखना, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि डीप कल्चर में जब जाएगा तो वहां पे आपकी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो कमी हो जाएगी, CO2 की मात्रा वहां पे प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सभी का राइट आंसर है बिल्कुल। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला आपका है 42 नंबर का MCQ। ये कह रहा है कि लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट है वो किसके लिए इम्प्लाइड कर रहे हो, केवल एक को छोड़ के। तो भैया एक को किसको छोड़ना है ये आप बता दो, तो हेपेटाइटिस बी को छोड़ के और सभी में आप कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल स्वाति, मुकेश, एकदम बहुत सही भाई, एकदम से लर्न कर लियो MCQ, तो बहुत ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और अगर दिक्कत हो भी रहा है, जैसे देखो जहां पे मैं बता देता हूँ, इसमें आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कल्चर मेथड पढ़ लो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर मीडिया पढ़ लो, कल्चर मीडिया के बारे में थोड़ा सा कुछ देख लो। मैं एक PPT या कुछ भी ऐसा भेज दिया करूँगा अभी, जिसमें आप पढ़ पाओगे। अब यहाँ पे मैं अगर खोल के बैठ जाऊँ पूरे कल्चर मीडिया को तो 5 मिनट में समाप्त तो हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में आपका समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन आप बोर होने लगोगे। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको दे दूंगा नोट्स, उसको देख लेना बच्चे, एक्सप्लेनेशन आपकी हो जाएगी। नए बच्चे बताओ ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। ठीक है भाई, चलो अब अगला आपका है यहाँ पे MCQ जो है वो आपका है 43 नंबर का। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है उमा शंकर भाई, मैं नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 43 नंबर का, चाइनीज लेटर का अरेंजमेंट आपके किस बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, तो ये आपको डायरेक्ट बताना है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। एक्टिनोमाइसिट्स में ब्रांचिंग देखने को मिलेगा, फिलामेंट, ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई, स्पायरोकाइट्स में स्पायरल से देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टेफाइलोकोकाई में आप पता चल गया होगा आपको। तो कहने के मतलब है कि आपकी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सेफ साइज पूछा गया है आपकी, ठीक है, आपके सिलेबस में सेफ साइज है, तो ये भी आप देख सकते हो, ये इसमें जितने सेफ साइज है और एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल आपको लर्न करना होगा। वैसे आप उनको पता होगा आपको, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होगा आपको, बिल्कुल कॉर्निबैक्टीरियम। ठीक है, आजा भाई आजा। अगला 44 नंबर का MCQ, डॉट डॉट इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है, टिकोइक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेसिक बेसिक से प्रश्न है इसमें। ठीक है, अगला आपका है 45 नंबर का MCQ, व्हेन स्लाइम लेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इनटू, ठीक है, स्पायरली डिफाइंड स्ट्रक्चर देन इज नोन एज द स्लाइम लेयर। ठीक है, यानी कह रहा है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्लाइम लेयर है, और इस स्लाइम लेयर जब आपका वो शार्पली डिफाइंड हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कैप्सूल कहलाता है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर पीली के बारे में आप समझना चाहते हो तो पीली का पे है, ठीक है, फ्लैजिला पीली में डिफरेंट क्या है ये भी आप समझ सकते हो, बहुत कुछ समझने लायक है, ठीक है। हाँ 46 नंबर का, फिमरी कैन प्रेजेंट इन सेल वॉल, यानी कि फिमरी क्या काम करता है, ठीक है, आपके बैक्टीरिया के सेल, जो आपको बैक्टीरिया का सेल है उसमें फिमरी पाया जाता है, फिमरी क्या काम कर रहा है, मोटाइल सेल, नॉन मोटाइल सेल में, या फिर आपका बोथ ए एंड बी। तो मुझे लगता है क्या, मुझे लगता है नॉन मोटाइल में, फिमरी आपका नॉन मोटाइल में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न है, व्हिच डीकैल्सिफाइंग सॉल्यूशन इज यूज फॉर पोस्टमार्टम एंड रिसर्च स्पेसिमेन। देख लो यहाँ पे आपकी हिस्टोलॉजी का एमसीक्यू है बच्चा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो पोस्टमार्टम है या फिर रिसर्च का स्पेसिमेन है, इसके लिए कौन सा आप डीप कैल्सिफिकेशन सोल्यूशन का उपयोग करते हो, एक्वस फॉर्मिक एसिड, एक्वस नाइट्रिक एसिड, पेरिनियल फ्लूड, या फिर आपका चिलेटिंग एजेंट। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, अगर मैं डीकैल्सिफाइड सोल्यूशन की बात करता हूँ तो 5% आप एक्वस सोल्यूशन का उपयोग करते हो, ठीक है, 5% आप एक्वस फॉर्मिक एसिड का उपयोग करते हो, ठीक है, उसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, सॉरी 5% ही आपका नाइट्रिक एसिड होता है, तो यहाँ पे आप इसको मिटाल देना, ठीक है, 5% नहीं होगा, ओके। और उसके बाद में आपका यहाँ पे भाई कंप्यूटर महोदय दिक्कत ना दो हमें, देखो भाई ये आपका एक्वस फॉर्मिक एसिड और 5% आपका एक्वस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है ये जो है आपके, और एक और होता है आपका ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड ये जो है आपके डीकैल्सिफिकेशन एजेंट है, बट ये केमिकली रूप से काम करते हैं, ठीक है, केमिकली रूप से काम करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें दूसरा जो हो जाता है आपका चिलेटिंग एजेंट हो जाते हैं, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट हो जाते हैं, चिलेटिंग एजेंट, इसमें आपका क्या आता है, 5% EDTA आता है बच्चा, ठीक है, 5% EDTA आता है। और अगर बात करेंगे एक अगला मेथड हो जाता है इलेक्ट्रो, ठीक है, फोरेटिक मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोफोरेटिक, ठीक है, मेथड। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि अगर पूछ लिया कि डीकैल्सिफिकेशन कितने प्रकार से कर सकते हो, तो पहला आपका केमिकली, दूसरा बाइचिलेटिंग मेथड, और तीसरा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा आप यहाँ पे इनको, ठीक है, डीकैल्सिफाइंग कर सकते हो। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका, हाँ भाई अगले प्रश्न से पहले ये आपको समझ लेना है कि पोस्टमार्टम और रिसर्च स्टेशन के लिए कौन सा यहाँ पे आप मतलब कि डीकैल्सिफिकेशन एजेंट यूज करते हो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, एक्वस फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। वैसे भी जनरली आप नाइट्रिक एसिड का भी उपयोग करते हो, बट यहाँ पे आपका पोस्टमार्टम और रिसर्च में आप एक्वस फॉर्मिक एसिड का उपयोग करोगे, ठीक है ध्यान रखना। चलिए अगले एमसीक्यू पे आ जाते हैं भाई, हाँ नाइट्रिक रूटीन के लिए तो है, रूटीन पर्पज के लिए, बट पोस्टमार्टम के लिए भी हो सकता था, लेकिन फॉर्मिक एसिड, ठीक है, रूटीन के लिए नाइट्रिक एसिड लगा देना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और चिलेटिंग एजेंट में 5% EDTA याद करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ गए भैया प्रश्न महोदय, कई दिनों से जब ज़्यादा एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, आ जाओ भाई जल्दी से। हाँ भाई सही कह रहे हो, कुछ तो दिक्कत, अपडेट देखते हैं, अपडेट अगर होता है तो कर देते हैं इसको। अब आपका 49 नंबर का एक प्रश्न है, ये इसको देखो जरा,
ये कह रहा है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू पीसेस इज नोन एज, यानी कि आपने टिश्यू पीसेस से वाटर को जब रिमूव करते हो तो वो क्या कहलाता है, डीकैल्सिफिकेशन, रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन या फिर आपका क्लियरिंग। तो इसको क्या कहते हैं, देखो डीकैल्सिफिकेशन में कैल्शियम को रिमूव करोगे, किसको, कैल्शियम को रिमूव करोगे भाई। रिहाइड्रेटिंग में रिहाइड्रेट करोगे, H2O को जोड़ोगे, और डिहाइड्रेटिंग में माइनस करोगे H2O, ठीक है। तो अपने टिश्यू पीस से रिमूव करना है वाटर को, यानी कि माइनस करना है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात एक और आती है जो इम्पोर्टेंट है, देखो ध्यान रखो, मैं एमसीक्यू ऐसे नहीं दे देता हूँ कि मैं बता दूंगा ये राइट आंसर है, कुछ बातों के लिए इसको रख देता हूँ। प्रश्न ये बनता है कि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से हैं। तो अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात करोगे तो एल्कोहल सोलूशन पहला आपका आ जाता है, ठीक है, एल्कोहल सोलूशन। उसके बाद में दूसरे की अगर बात कर लोते तो भैया एसीटोन आ जाएगा आपका, एसीटोन आ जाएगा आपका भैया। और अगला कौन सा आ जाएगा भाई, डायजोन भी होता है, और डायजोन को ध्यान रखना ये दोनों में काम आता है, क्यों, यानी कि ये आपका मिसबल है, ठीक है, इसको लिख लो मिसबल विथ वाटर, पैराफिन बैग्स, ठीक है, और साथ में आपका अल्कोहल। तो ये आपका जो डायजोन है, यहाँ पे खास बात ये है कि डायजोन आपका क्या है, एज ए क्लियरिंग एजेंट भी काम करता है, ठीक है, क्लियरिंग एजेंट भी काम करता है, और प्लस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना, चेतना कह रहे हैं कि रिहाइड्रेटिंग, रिहाइड्रेटिंग नहीं बेटा डिहाइड्रेटिंग, ठीक है, रिहाइड्रेटिंग कहाँ से करोगे, ठीक, रिमूव कर रहे वाटर को, ठीक। तो ध्यान रखना क्या समझा, डिहाइड्रेटिंग में आपका एल्कोहल सोलूशन, एसीटोन और डायजोन, ठीक, ध्यान रखना। क्लियरिंग में बात कर लेते हैं क्लियरिंग एजेंट की यहीं पे तो क्लियरिंग एजेंट में आपका जाइलिन, जो कि सॉरी बच्चों, जाइलिन आपका क्या है, मोस्ट कॉमन है। उसके बाद में अगर बात करेंगे किसकी, टालुलिन भी आपका क्लियरिंग एजेंट में आता है, टालुलिन, और बेंजीन भी आता है, बेंजीन भी आता है, ठीक है, और आपका केडार आयल भी आता है उसके साथ में, बेंजीन से पहले एक बात और ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म भी आता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी आता है और केडार आयल भी आता है, ठीक है, केडर उड आयल होता है उसको बोलते हैं, केडर उड आयल, ये भी आपका क्लियरिंग एजेंट में आता है। और एक यहाँ पे कॉमन आप लिख लेना डाइजेन, ठीक है, डाइजेन। तो डाइजेन हमने बताया कि ये आपके दोनों में काम आएगा, डिहाइड्रेटिंग और क्लियरिंग में, क्यों, क्योंकि ये मिसबल है विथ वाटर के साथ, पैराफिन बैग्स के साथ और आपके एल्कोहल के साथ, ठीक है भाई। चलो क्लियर है, कॉपी में नोट किए कि नहीं नोट किए, देखो भैया नोट कर लो, क्लियरिंग एजेंट जाइलिन, टालुलिन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, केडर, उड़ायल। क्यों कह रहा हूं, जब लॉन्ग प्रश्न आपकी बनेगा कि क्लियरिंग एजेंट के लिए कौन सी लाइन सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही है सॉरी बच्चों, तो आपको क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम होगी, दो तीन स्टेटमेंट दे देगा, उसमें कहीं ना कहीं कह देगा कि ये आपके क्लियरिंग एजेंट है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो कपिल भाई ओके, अगला क्या है, अगला आपका यहाँ पे 50 नंबर का जो कि लास्ट है, और आपको लास्ट तक हमारा गला बैठ गया है, ठीक है। डायजोन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर रूटीन यूज, बिकॉज देखो भाई डायजोन जो है वो दोनों में काम आ रहा है, लेकिन इसको रूटीन पर्पज के लिए हम यूज नहीं करते हैं, इट इज डेंजरस, हैव लिटिल वार्मिंग ऑर्डर, या फिर आपका टॉक्सिक है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अब बताओ भाई, तीन आ गए आपका, मतलब 4 ऑप्शन हो गए हैं, 3 आपके हैं और ऑप्शन भी है यहाँ पे। तो देखो ठीक है, हेमलता जी ने राइट बता दिया, डी राइट, ठीक है, तो ये डेंजरस है, लिटिल वार्मिंग ऑर्डर भी है और टॉक्सिक इन एक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आज का सेशन जो है ये 50 प्रश्नों के साथ था, इसका जो PDF है अभी आपको जस्ट मिल जाएगा कुछ ही देर में, और इसके बाद में कल आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत, और मैं कुछ इंस्टा PDF मैं अपने तरफ से भेज दूंगा, ठीक है।